अब हम आपको इफ स्टेटमेंट के द्वारा सी में कैसे एक सिंपल प्रोग्राम लिखना वो आपको हम समझाएंगे। इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, हम यूजर से 1 और 150 के बीच में से नंबर एक्सेप्ट करेंगे। अगर यूजर ने लकी नंबर गेस कर दिया तब हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे, आपने लकी नंबर गेस किया है और कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो हम इस प्रोग्राम के लिए लकी नंबर अज्यूम कर सकते हैं कि 100 हमारा लकी नंबर है। तो सबसे पहला मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा जिसका नाम है शॉर्ट नंबर, ठीक है, इसे इनिशियल वैल्यू 0 दूंगा। अब क्या करना पड़ेगा, अगले लाइन पे मैं यूज़र से एक लकी नंबर पूछूंगा, एंटर या ये कहूँगा गेस द लकी नंबर, ठीक है। यूज़र से ये पता करने की कोशिश करूँगा कि क्या यूज़र लकी नंबर गेस कर पाएगा या नहीं है। तब स्क्वेनफ द्वारा अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज एच आई कन्वर्जन स्पेसिफायर है अगर हम शॉर्ट इंटीजर टाइप ऑफ डेटा हम यूज़र से एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो हम यूज़र से नंबर मांग लिया, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें केवल चेक करना है कि क्या नंबर इक्वल टू 100 है। अगर नंबर इक्वल टू 100 है तब हम क्या करेंगे, तब हम मैसेज प्रिंट करेंगे कि आपने सही नंबर गेस कर दिया या आप लकी नंबर गेस कर दिया, तो ये मैसेज प्रिंट करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नंबर, ठीक है, यू हैव गेस्ड द लकी नंबर। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा टेस्ट डेटा द्वारा इसे टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैसेज ऐसा भी हो सकता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव गेस्ड द लकी नंबर। तो मैं इस कोड को आपको समझाता हूँ। तो एक कोड में हम आपको सिंपल इफ स्टेटमेंट कैसा यूज करना वो हम आपको समझा रहे हैं। तो पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम है नम और उसका डेटा टाइप है शॉर्ट। यूजर से हम गेस द लकी नंबर पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यूजर कुछ लकी नंबर एंटर करेगा, एक रेंज दे देंगे इसे 100 और 150 के बीच में, ठीक है, 100 और 150 के बीच में यूजर लकी नंबर गेस करे। जैसे यूजर नंबर एंटर करेगा हम इफ कंडीशन द्वारा चेक करेंगे कि क्या नंबर इक्वल टू 100 है। ये इक्वालिटी का साइन है, ये असाइनमेंट का साइन है। यहाँ 0 नंबर मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा, यहाँ नंबर का जो वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो 100 के साथ कंपेयर होगा। इस कंपैरिजन में नंबर भी ना चेंज होगा और 100 तो कांस्टेंट है तो चेंज होने का सवाल आएगा ही नहीं है। तो अगर यूजर ने सही नंबर गेस कर दिया तब कॉन्ग्रेचुलेशंस आ जाएगा, वरना कुछ नहीं आ जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके आउटपुट क्या आएगा। तो अगर आप बॉटम लेफ्ट स्क्रीन में देख रहे हो, यहाँ मैं पूछ रहा हूँ गेस द लकी नंबर बिटवीन 100 and 1 to 150। तो समझ लीजिए मैंने 124 एंटर कर दिया। तो देखिए आउटपुट बिल्कुल कुछ नहीं मैसेज दिखाया क्योंकि केवल मैंने इफ स्टेटमेंट यूज कर रहा था। अब हम क्या करेंगे, अगले डेमोन्स्ट्रेशन में हम आपको नंबर 100 एंटर करके दिखाएंगे कि आउटपुट क्या हो जाएगा। तो समझ लीजिए हमने नंबर 100 एंटर कर दिया अभी। अब मैसेज आना चाहिए कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव गेस्ड द लकी नंबर। तो देखिए अब आ गया नीचे मैसेज कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव गेस्ड द लकी नंबर। अब इस प्रोग्राम के द्वारा मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स करा के आपको इफ स्टेटमेंट समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो फ्लावर ब्रैकेट है इसका मतलब क्या है, ये जो स्टेटमेंट है ये इफ के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तभी केवल ये मैसेज प्रिंट होगा, वरना कोई मैसेज प्रिंट नहीं होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ अगर हमने गलती से सेमीकॉलन डाल दी तो अब क्या होगा, ये सेमीकॉलन एसोसिएट हो जाएगा इफ के साथ। तो चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो तभी भी क्या होगा, तभी भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेज प्रिंट होगा। चलिए आप एग्जीक्यूट करके आपको समझाते हैं हम। चलिए अभी नंबर वापस 124 एंटर करूंगा। अभी देखिए ये नंबर एंटर करने के बावजूद मुझे मैसेज आ गया कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव गेस्ड द लकी नंबर। इसका कारण ये है कि ये सेमीकॉलन जो है
इफ कंडीशन के साथ जुड़ गया और ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वैसे ही इंडिपेंडेंटली रह गए और इफ के साथ ना जुड़े। तो इससे क्या होगा, जैसे ये कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो फिर भी ये प्रिंट मैसेज हमेशा प्रिंट होते जाएगा। तो ये गलतियां बिगिनर्स बहुत बार करते हैं, इफ के बाद सेमीकोलन नहीं डालना अनलेस नेसेसरी है, जैसे आगे आप कुछ प्रोग्रामिंग में नीड है तब करोगे। और एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, समझ लीजिए और एक मैसेज डाल दिया मैंने प्रिंट एफ, ठीक है गुड बाय, ठीक है लास्ट मैसेज होगा प्रिंट एफ गुड बाय, ठीक है। तो अगर मैंने ये मैसेज टाइप कर दिया प्रिंट एफ गुड बाय, अब देखिए अगर मैं नंबर 100 एंटर कर दिया तब आउटपुट देखिए आउटपुट क्या आएगा, मैं नंबर 100 एंटर करा दिया, ठीक है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव गेस्ट द लकी नंबर गुड बाय। अब मैं क्या करूँगा आपको ब्लॉक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इस फ्लावर ब्रेस को मैं हटाऊंगा, ठीक है। अब जब मैं इस फ्लावर ब्रेस को हटाऊंगा तब क्या होगा, केवल ये पहला वाला स्टेटमेंट जो है इफ के साथ जुड़ेगा, ये प्रिंट गुड बाय जो है ये इफ से जुड़ा हुआ नहीं है। तो फॉर एग्जांपल समझ लीजिए मैं नंबर 83 एंटर करूंगा, 83 एंटर करने के बाद क्या होना चाहिए, केवल मैसेज प्रिंट गुड बाय प्रिंट होगा। देखिए हमने नंबर एंटर कर दिया 83, अब मैसेज प्रिंट होगा केवल गुड बाय। अभी ये इंडेंटेशन का प्रॉब्लम है, इंडेंटेशन मतलब लेफ्ट साइड स्पेसेस, स्पेसेस बिटवीन स्टेटमेंट्स, क्योंकि डिक्लेरेशन एक ब्लॉक हो गया इसलिए उसके इसके कारण हमने एक स्पेस यहाँ दे दिया। ये दोनों एक रिलेटेड ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है, ये सारे रिलेटेड ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है। अगर आपको हर बार गुड बाय प्रिंट करना है तो ऐसे बिल्कुल ना लिखे, आप इसे सेपरेट करके यहाँ अगले लाइन पे लिखे ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि प्रिंट एफ गुड बाय जो होगा वो हर बार होगा चाहे आप लकी नंबर गेस करो या ना करो। तो प्लीज़ ये प्रोग्राम को आप टाइप करके प्ले अराउंड कर लीजिए। अगर आपको लॉजिक समझ में नहीं आया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस अल्गोरिथम का भी लिंक है, आप लिंक ज़रूर देखिए तब आपको कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा।